हेलो गाइस, तो आ गए आप। अच्छा, मैं उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को देखने से पहले आज का करंट अफेयर्स आप लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि वहाँ पे लास्ट में जो मैंने आपको पजल सॉल्व करने के लिए दी थी उसके आंसर मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, और यहाँ पे आपको आज के 30 क्वेश्चन होमवर्क के भी मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न, क्या था? जलवायु परिवर्तन पर आपातकाल की घोषणा करने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? आयरलैंड बना है। पहला कौन सा था? ब्रिटेन था, और अब कौन सा हो गया है? आयरलैंड। इसका आंसर होगा आयरलैंड। अगला क्या है? एप्पल भारत में कहाँ पे अपना पहला रिटेल स्टोर खोलेगा? तो कहाँ पे खोलेगा? मुंबई में खोलेगा। और मैंने आपको बताया भी था, इसने कुछ समय पहले ही आईफोन 7 की वो फैक्ट्री इसने डाली है कहाँ पे? बेंगलुरु में डाली है। और एप्पल से रिलेटेड एक और पॉइंट बताया था ना मैंने आपको, कि जो चाइना की हुआई कंपनी है, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी, वो सेकंड पोजीशन पे आ गई है एप्पल को पछाड़ करके। फर्स्ट नंबर पे सैमसंग, दूसरे पे हुआई, और तीसरे पे एप्पल चली गई है। अगला क्या है प्रश्न? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड क्या था, क्या बोलेंगे इसे इंग्लिश में, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये कब मनाया जाता है? ये 11 मई को अभी मनाया गया। साल में वैसे दो बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर में, और वो भी दूसरे वाले शनिवार को, तो अभी 11 मई को मनाया गया। अगला है, किसने व्यापारियों के लिए भारत का पहला UPI बही खाता लॉन्च किया है? तो भारत पे ने लॉन्च किया है। किसने? भारत पे, इसका आंसर होगा। अगला क्या है पांचवा, यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए किसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट चुना है? तो इसका आंसर होगा दिया मिर्जा। देखो, भारत से दिया मिर्जा है, वैसे तो टोटल पूरी दुनिया से 17 लोग चुने हैं, जैसे कि अलीबाबा के प्रमुख कौन, जैक मा, और भी बहुत सारे 17 लोग हैं, लेकिन भारत से बात करेंगे तो दिया मिर्जा। अगला है, महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो अजॉय मेहता बने हैं, अजॉय मेहता इसका आंसर होगा। अगला है, भारत की पहली मेगा विज्ञान प्रदर्शनी नाम क्या है, विज्ञान समागम कहाँ पे शुरू हुई, कहाँ पे उद्घाटन हुआ? आंसर होगा मुंबई में, इसका आंसर होगा मुंबई। अगला क्या है, मंकी पॉक्स वायरस का पहला मामला कहाँ पे सामने आया? तो सिंगापुर में सामने आया, जहाँ पे फेक न्यूज़ के लिए बिल पास हुआ था, याद आ रहा है। अगला क्या है, इफ्को के नए चेयरमैन कौन बन गए? तो बलविंदर सिंह बने थे, ठीक है, तो आंसर होगा इसका बलविंदर सिंह नकई। और उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन कौन बने थे? दिलीप बने थे। अगला क्या है, टाटा स्टील की PGTI प्लेयर्स चैंपियनशिप किसने जीती है? तो मुकेश कुमार ने जीती है, इसका आंसर होगा मुकेश कुमार। अगला क्या है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो 11 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, वायु सेना के वाइस चीफ, ये दो चार दिन पहले बताया था मैंने आपको प्रश्न, कौन बने थे? तो भदौरिया जी थे, मतलब राकेश कुमार सिंह भदौरिया, इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों के सारे प्रश्न के उत्तर सही होंगे। अगर कहीं गड़बड़ी भी है ना, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, उसको सही कर लेना, सही करके याद, जब देखो गलती होना दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती को सुधारना नहीं, वो दिक्कत हो जाती है। अभी गलती कर लो, सुधार लो, ताकि बाद में भविष्य में एग्जाम टाइम पे गलती ना हो। अच्छा, मैंने कल आप लोगों से पूछा था कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं जो होमवर्क के आप 30 क्वेश्चन देते हो उसे दूसरे दिन एक बार फिर से करा दो ताकि रिवीजन हो जाए। मैंने बाकियों से भी पूछा कि चलो, क्योंकि आपको पता है मैं जो भी चीज़ करता हूँ आप लोगों से एक बार पूछता हूँ, तो पूछने पे क्या हो रहा था, रिप्लाई आ रहे थे हाँ करा दो, नहीं करा दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन क्या कह रहा है। तो एक पोल मैंने कंडक्ट करवाया था, तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। 81% जनता बोल रही है कि हाँ, 12% बोल रही है नहीं, और बाकी 7% है वो आपके सामने है। तो जनता जनार्दन है, जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा मुझे करना पड़ेगा। तो जो 12% है कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो आप ना के साथ हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक काम करो, इस वीडियो को स्किप कर दो, और लास्ट में जो होमवर्क के क्वेश्चन है आप डायरेक्ट उन्हें सॉल्व कर लो, ठीक है। और जो 81% बोल रहे हैं करा दो, ठीक है, हम फटाफट फटाफट इसको कर लेते हैं जैसा कि हमें करना है, ठीक है। और फिर आप, ये फर्स्ट टाइम रहेगा तो आप एक बार फिर से मुझे बता देना जिस स्पीड से हम कर रहे हैं, क्या इसी स्पीड से आपको रेगुलर चाहिए या इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन अगर आप चाहते हैं, क्योंकि देखो जो आप चाहते हो मैं करने के लिए तैयार रहता हूँ, जैसा आप बोलते हो वैसा मैं करता हूँ, ठीक है। और मैं कल आप लोगों के कमेंट देख रहा था, तो एक आध स्टूडेंट के मैंने कमेंट देखे, तो उनके जो मत थे ना हाँ को लेकर के, वो काफ़ी मुझे अच्छे लगे या सही लगे। उनका कहना था कि गुरुजी क्या होता है, हम डेली सॉल्व करते हैं 30 क्वेश्चन, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा 30 क्वेश्चन सही हो जाए, कभी 25 सही होते हैं, कभी 30 में 28 सही हो जाते हैं, कभी 18 ही सही होते हैं, मतलब दो चार तो गलत होते ही है। तो जो सही हो रहे हैं ना उसमें दिक्कत नहीं है, जो गलत हो रहे हैं ना उसमें दिक्कत है। जो गलत हो रहे हैं हम नीचे आंसर देख के उसे सही भी कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है डेली के डेली पजल आ रही है, नए नए क्वेश्चन ऐड होके आते जाते हैं, तो आगे बढ़ते जाते हैं, जो पीछे वाली पजल है वो रह रही है।
हमने एक बार सही कर लिया लेकिन हमें पता नहीं पड़ रहा है जो हमने गलती की थी, अगर फिर से उस क्वेश्चन से हमारा सामना होगा तो हम वो सही करेंगे या गलत होंगे। तो आप दूसरे दिन कराओगे तो कराते वक्त हम एक बार फिर से खुद को टेस्ट करेंगे कि हाँ ये वाले क्वेश्चन में हमने कल गलती की थी, आज हम इसको गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो क्वेश्चन याद नहीं आता तो आप सॉल्व कराओगे तो याद हो ही जाएगा। तो इस तरह से वो जो गलत वाला क्वेश्चन है हमारा, उसका बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। वो जो गलत वाला पार्ट है हम उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो उन स्टूडेंट्स का मुझे ये मत बहुत अच्छा लगा। तो चलो जैसे आप लोगों की इच्छा है हम इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, तो कब बनाया अपन ने, ये 3 मई को बनाया, यानी कि सी वाला इसका आंसर होगा। अगला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप किसने किया। अच्छा, हमने तो 140वां स्थान लाया और टॉप किया था नॉर्वे ने, यानी कि एफ वाला आंसर होगा। अगला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो अवार्ड किसको मिला था, तो पाकिस्तान के पत्रकार थे सिरिल अल्मेडा नाम है इनका, कहाँ पर है सिरिल अल्मेडा, आई वाला आंसर होगा। अगला है यूनाइटेड नेशन ने किसे वैश्विक आतंकवादी, तो इसका आंसर तो होगा मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद इनके संगठन का नाम है, ठीक है, या भी याद रखना आप, ई वाला इनका आंसर होगा। अगला है वर्ल्ड ट्यूना डे, तो ये ट्यूना एक मछली होती है, 2 मई इसका आंसर होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्या है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, तो पी आर रामचंद्रन मेनन इसका आंसर होगा, तो यहाँ पे देखो ये राज्य वाला। अगला क्या है ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2019 कहाँ पे हुए, तो चाइना में हुए, डी वाला इसका आंसर होगा। अगला है MCC यानी कि मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष कौन बने, तो कुमार संगकारा, कौन है ये, श्रीलंका के पूर्व कप्तान है, तो इसका आंसर होगा जी वाला। अगला क्या है 9 वाला आंसर है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पहली स्वतंत्र महिला निदेशक कौन बनी, तो जय श्री व्यास इनका नाम है, जय श्री व्यास, एच वाला इसका आंसर होगा। अगला है पवन हंस की CMD, अच्छा पवन हंस क्या है पता है ना, हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनी है, CMD कौन बनी है इसकी, तो उषा पदी बनी है। आपको बता दूं ये इंतरिम है, बताया था ना मैंने आपको, परमानेंट नहीं है, मतलब टेम्परेरी है, ये इंतरिम है शॉर्ट टर्म के लिए, उषा पदी इसका आंसर होगा, बी वाला। अगला देखते हैं, तो 11वां प्रश्न है 2020 के ओलंपिक कहाँ पे होंगे, तो टोक्यो जापान में होंगे, यानी कि आई वाला आंसर है। 2024 के ओलंपिक कहाँ पे होंगे, तो पेरिस में होंगे, एफ वाला इसका आंसर होगा। किस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आग लग गई है, तो नेट्रो डैम में लग गई है और ये पेरिस में है, कैथेड्रल है ये, मैंने बताया था ना, चर्च का बड़ा रूप आप समझ लो इसे, एच वाला आंसर होगा। 2022 के जो नई दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर होंगे उसमें गेस्ट कंट्री, चीफ गेस्ट कौन होगा, तो फ्रांस होगा, तो इसका आंसर होगा ए वाला। अगला है 2020 में जो पेरिस बुक फेयर है उसमें गेस्ट कंट्री कौन होगा, अतिथि देश हम होंगे, हमारा भारत होगा, जे वाला इसका आंसर है। अगला है 2019 के अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर में जो गेस्ट कंट्री होगा वो कौन था, एक्चुअली हो गया ये अप्रैल के एंड में हुआ था, हम थे, हमारा भारत गेस्ट कंट्री था इसमें। अगला है वरुण 19, अच्छा हो समझ गया मैं, हाँ ये मिस्टेक हो गया, अच्छा बच्चे कह रहे थे मैं समझ नहीं पा रहा था, तो देखो यहाँ पे आप समझ गए होंगे वैसे मैं से क्या मिस्टेक हो गई है, 19.1 ऊपर लिखाई में आएगा और नीचे 19.2 था, हो जाती है मिस्टेक, आप समझदार हैं समझ गए होंगे। तो 90 पहले आप तो ये बताओ वरुण हुआ था किसके बीच में, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में, तो 19.1 पहला जो पहल है वो हुआ गोवा में, और 18 का आंसर होगा ये होगा जिबूती में जो कि अफ्रीकन देश है, तो 17 का आंसर होगा गोवा यानी कि सी वाला, और 18 का आंसर होगा जिबूती जो कि आंसर होगा बी वाला। अगला है 2018-19 में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता यानी कि टॉप ऑयल सप्लायर कौन सा रहा लगातार 2 साल, इराक रहा, आंसर होगा जी वाला। अगला है सिप्री सैन्य खर्च के मामले में टॉप पे कौन सा देश रहा, तो USA रहा, तो आंसर होगा USA, वेयर इज USA, अच्छा इसमें USA नहीं है, हाँ समझ में आ गया, मैंने बता दिया था, लिखना भूल गया मैं, गलती हो गई, तो इसका आंसर होगा USA, मैंने आपको बता दिया था। देखो हो जाती है कई बार मिस्टेक हो जाती है, देखो कम समय होता है मेरे पास, उसमें मेरे को इतना सारा लिखना भी है और टाइपिंग वगैरह करना है खुद से ही और रिकॉर्ड वर्ड ना करना है, तो बहुत जल्दबाजी में कई बार मिस्टेक हो जाती है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ या आप लोग मुझे बता देते हो तो फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है BCCI के पहले लोकपाल DK Jain है, DK Jain यानी कि जी वाला आंसर है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, अच्छा हाई, ये 62 वर्ष की उम्र होती है इनकी रिटायरमेंट की, एफ वाला इसका आंसर होगा। सुप्रीम कोर्ट की होती है 65 ईयर, वैसे हाई कोर्ट के जो CJ है ना उन्होंने भी याचिका लगाई थी, मतलब उनकी भी याचिका लगाई गई थी, उनकी भी 65 कर दो लेकिन वो कैंसिल कर दी गई थी। 24 वाला है इंडियन नेवी डे, अच्छा ये तो मैंने आपको याद करवाए थे, नेवी एयरफोर्स और आर्मी 4, 8, 15 दिसंबर अक्टूबर और जनवरी, तो ये तो होगा 4 दिसंबर, आई वाला आंसर होगा। अगला क्या है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है इसलिए मैंने रखा इसको, जे वाला आंसर होगा। मोहिनी अट्टम डांस कई बार पूछा जाता है केरल का है ये, आंसर होगा केरल, डी वाला। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में है और आपको याद है ना अभी जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है इसको बदलने जा रहा है वो,
कौन सी बदल के क्या करेगा अभी बताया नहीं गया, बस अभी बदलेगा, सी वाला इसका आंसर होगा। अगला क्या है, फ्रांस और जर्मन की बॉर्डर लाइन को पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा गया प्रश्न है मैग्नीटो लाइन, इसके सामने इसका आंसर है एच वाला। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, यानी कि बी वाला आंसर होगा। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ए वाला इसका आंसर होगा। अब मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन दे देता हूँ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी बात सुन लो आप। देखो, आप लोगों को पता रहा, मैं आप लोगों की हर बात मानता हूँ, चाहे वो कैसी भी बात हो, अगर वो मेरे लिए पॉसिबल होती है, मेरे बस में होती है, तो मैं आपकी ज़रूर मानता हूँ। मेरा यही मानना रहता है, यही विचार रहता है कि कोई भी बात हो, आपका बेनिफिट होना चाहिए, आपको फ़ायदा होना चाहिए, मैं वो बात मानने के लिए रेडी हो जाता हूँ, चाहे फिर मेरे पास टाइम हो या नहीं हो, बस मैं यही सोचता हूँ आपका फ़ायदा होना चाहिए। मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डाल लूँगा, कैसे भी एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन वो काम करना है मुझे, आपके लिए करना है, आप खुश होने चाहिए, आपका फ़ायदा होना चाहिए, मैं इतना सोचता हूँ, ईमानदारी से सोचता हूँ, अपना समझ के सोचता हूँ आप लोगों को। लेकिन आपको पता है, मैं जितने ईमानदार हूँ ना आप लोगों के प्रति, उसका अगर थोड़ा सा भी हिस्सा, अगर आप मेरे प्रति ईमानदार होते ना, तो आज हम कहाँ से कहाँ होते। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग इसमें से हैं, कुछ लोग हैं वाकई बहुत अच्छा मेरे बारे में सोचते हैं, अपना समझते हैं इस चैनल को, मेरे को अपना समझते हैं और इसे सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं। मैं बाकी लोगों से भी कहूँगा, हर बंदा जो इससे फ़ायदा महसूस कर रहा है, बेनिफिट अगर आपको हो रहा है, हर बंदा इसे शेयर ज़रूर कर रहे हैं अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अगर इस चैनल को कहाँ से कहाँ पहुँचा दो, बस आप शेयर करो, मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें ला करके दूंगा ना, आपके मुंह से बस एक ही शब्द निकलेगा, वाओ मज़ा आ गया गुरुजी, मज़ा आ गया। मैं गारंटी कह रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। आप लोग अभी देख लो, अभी अपन कुछ भी स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के बारे में इतना सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ है भी नहीं, लेकिन अगर अपन बहुत आगे पहुँच जाएंगे, अरे मैं तूफान ला दूंगा, बस एक ही शब्द कहूँगा। तो आप लोग प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करा करें, हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो को शेयर ज़रूर करें, उस पर आपका पैसा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, इससे आप ही को बेनिफिट मिलेगा, आप इसे शेयर ज़रूर करा करें। ये रहे हमारे पहले 10 प्रश्न, ये रहे अगले 10 प्रश्न, और ये रहे अगले 10 प्रश्न। आराम से इसको सॉल्व करना, आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, रिप्लाई भी कर देना। अच्छा, रिप्लाई के लिए कल मैंने बोला था आपको, देखो मैंने यहाँ पे भी आपके बारे में सोचा, आपको पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, 30 अल्फ़ाबेट की पहले का आंसर बी ए सी है, छोड़ो, आप आंसर लिख दो डायरेक्ट कि 30 में से हमारे 25 सही हैं और 20 सही हैं या 2 सही हैं या जो भी सही है, और साथ में अगर ये लिख दोगे तो और बेनिफिट मिल जाएगा आप ही को कि गुरुजी मेरे ये 11वां क्वेश्चन गलत हो गया और 13वां क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसमें मैं देख लूँगा 11वां और 13वां कौन सा है, और मैं मौका मिलते ही उसको वापस से अगले वाले पजल में कहीं ना कहीं डाल दूंगा, ताकि आपका वो गलत चल गया ना, एक बार आप उस क्वेश्चन से वापस फेस करो और फिर पता लगे कि आपका वो क्वेश्चन फिर से सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो फिर टेंशन वाली बात है, आप उस पर और ध्यान दो, अगर सही हो रहा है तो मज़ा आ गया, ठीक है। तो इतना सा काम कर दो, इसी में आप ही का बेनिफिट है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रैक जी के ट्रिक्स।